नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। अहमदाबाद के जैन व्यापारी नरेश मेहता पर एसआईटी द्वारा जानलेवा हमला। सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया व्यापारी, पुलिस नहीं कर रही है एफआईआर दर्ज। अहमदाबाद के व्यापारी नरेश मेहता की दुकान के नाम से कुछ पैसों के लेनदेन के कारण चिराग एजेंसी के मालिक मुकेश सारडा द्वारा एसआईटी टीम के साथ सेटिंग करके पुलिस ने बिना एफआईआर या वारंट के पुलिस चौकी में ले जाकर व्यापारी को इतना मारा कि उसकी हालत गंभीर हो गई एवं उसको राजस्थान हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। इसके बाद राजस्थान हॉस्पिटल वालों ने ऊपर से दबाव आने की वजह पेशेंट को आधी रात को हॉस्पिटल से निकाल दिया एवं मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं दी। बाद में व्यापारी को 108 एम्बुलेंस बुलाकर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। व्यापारी को पुलिस द्वारा इतना मारा गया कि उसकी आंखें सूज गई, लीवर किडनी पर सूजन आ गई है, पसलियां और गले की हड्डी फ्रैक्चर बताई जा रही है। एसआईटी टीम द्वारा इस तरह व्यापारी को मारना और पैसा वसूल करने के लिए धमकियां देना क्या सही है? पिछले 7 दिन से व्यापारी का परिवार कोशिश कर रहा है लेकिन उनकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा एवं पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हमारी आपसे नम्र दरख्वास्त है कि कृपया एसआईटी के खिलाफ आवाज उठाएं एवं व्यापारी को न्याय दिलाने एवं गुनहगार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया में मदद करें। नाम लोकेश कुमार जैन है, मेरे पिताजी हैं। मैं जब नीचे बैठा था तब एसआईटी वाले आए, ऊपर मेरे जीजू का कॉल आया कि एसआईटी वाले हैं। उसी तरह तुरंत मैं निकला वहाँ से, तो वो लोग वहाँ से खींच के निकाल के लेके आ गए उनको बाहर। धक्का मुक्की की, मैंने उनको पूछा कहाँ ले जा रहे हैं, उनके पास वारंट है, वारंट नहीं बताया, जबकि उनके पास कोई वारंट था ही नहीं। ठीक है, और उन्होंने बोला कि उनके जाके उधर थोड़ा सा स्टेटमेंट लेंगे और छोड़ देंगे, और वहाँ पर उनको न्यू क्लोथ में लेके गए और उनको वहाँ पे जाके बहुत मारा, एकदम घायल कर दिया, उनको पूरी हालत ख़राब कर दी, उनको पूरा बेहोश कर दिया, फिर उनको वापस थोड़ा चिल्लाया, फिर वापस उनको मारा। फिर उसके बाद मेरा नाम सुमित्रा जैन है और मेरे पति को इतना मारा, कल कुछ हुआ होता तो मैं क्या करती। एसआईटी ने पुलिस वाले आके उनको। मेरा नाम सुमेर मल मेहता है, मेरा भाई नरेश कुमार जैन है जो यहाँ बिजनेस कपड़े का करता है सफल टू में। एसआईटी मार्केट वालों ने सफल टू से 6-7 आदमी आए, इसको उठा के ले गए, बिना वजह उठा के ले गए, धकेलते हुए निकाल। एक व्यापारी का ये तरीका नहीं है, व्यापारी को इस तरीके से कैसे खेसा जाए, जबकि इसके पास में कोई कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं, कोई इसके पास में मारने का ऑर्डर नहीं। इसको मारते मारते पीटते पीटते ले गई एसआईटी, एक न्यू क्लॉथ में निर्धारित की हुई एक संस्था टाइप एक है, गवर्नमेंट के निर्धारित ये अभी हुई है, जिसने इस वजह से एसआईटी में इसको ले गई, इसको मार मार के इसकी पसली तोड़ी गई, इसकी हड्डी तोड़ी गई, बाजू की तोड़ी गई और इसकी ऑक्सीजन लेवल कम पड़ गया और इसको पैरों पे मारा गया, इसको आंखें फोड़ने की कोशिश की गई, इसको जानलेवा हमला किया गया, इसको लकड़ियों से पीटा गया, पट्टों से पीटा गया, हॉकी से पीटा गया, एक तरह से ये मर्डर टाइप में करने लगे थे। इन लोगों ने बड़ा प्रेशर लगाकर फिर हमारे जीजा जी को फोन किया, उसके पास में इस लड़के के नाम का कोई बिल नहीं था बाकी और न ही इसके नाम की बिलिंग की हुई। चिराग एजेंसी ने इसको रेफरेंस बनाते हुए माल उन लोगों का बाहर पार्टी में गया, इसको बिना वजह रेफरेंस बनाकर इसको अंदर डाल के इसको जवाबदार बना के इसको पीटा गया। क्यों नहीं की उन्होंने हमारी कोई एफआईआर दर्ज के बारे में नहीं कि उपला बहुत प्रेशर है, इस टाइप से एफआईआर नहीं की गई। हमने फिर सिविल हॉस्पिटल में आए, बड़ी परिस्थिति, सिविल हॉस्पिटल में आने के बाद में सिविल हॉस्पिटल में हमको दाखिल किया गया। पुलिस का कहना अभी हमको तो पुलिस ने जबरदस्ती इनसे सहक लिखवा के 1 लाख रुपए का सहक लिया, 2,31,000 देना पड़ेगा नहीं तो हम मार मार के मुर्गा बना देंगे, जबकि इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पुलिस वाला का नाम क्या? वनराज सिंह पुलिस वाला है, PI उसके 7-8 और उसके साथ में थे। ये SIT पुलिस स्टेशन न्यू क्लॉथ मार्केट के अंदर गेट नंबर 2 के पास में SIT बनी कागड़ा बीट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।